में कहने के लिए पराई है, लेकिन बेटी पराई होकर भी पराई नहीं हो पाती है। एक माँ बाप बेटी की शादी कर देते हैं, बेटी ससुराल में पहुंच जाती है, बेटी का शरीर तो ससुराल में होता है, लेकिन बेटी का मन आत्मा उसके माँ बाप के पास होती है। सोचती है पता नहीं मेरे भैया भाभी ने मेरे बूढ़े माता पिता को भोजन बना के दिया होगा या नहीं, या फिर मेरे बूढ़े माँ बाप भी अपने हाथों से भोजन बना के खाते होंगे। एक पिता एक बेटी की शादी कर देता है और काफी दिन से वो बेटी की खबर नहीं ले पाता है, तो बेटी चुपचाप अपने पिता के लिए पत्र लिखती है और उस पत्र में रो रो करके लिखती है कि पापा सच बात पूछती हूँ बताना न पापा जी, छुपाना न पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना तू पापा जी, छुपाना न पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। पापा पैदा हुई घर में मेरे मातम सचाया था, पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, पिताजी मुझे मेरी माँ ने बताया था कि जब मेरा जन्म हुआ था ना तो घर में बेटी होने का सभी ने विरोध किया था, लेकिन तुमने मुझे अपनी गुड़िया परी कहकर के अपने सीने से लगाया था। पापा पैदा हुई घर में मेरे मातम सचाया था, पापा मेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले ली के नाम मुझको कोई बुलाते थे पापा, आते थे कहीं से तो मुझे ही बुलाते थे पापा। मैं हूं नहीं तो किसको बुलाती हूँ पापा जी, बुलाती हूँ पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताना पापा जी, छुपाना न पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं।